हेलो डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू टुडे आई एम योर मैथ्स टीचर नुपुर कुलहरी प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 14.1 ऑफ चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट कर ली थी और मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम मोड के बारे में पढ़ने वाले हैं ठीक है तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं मोड के बारे में कि मोड क्या है तो मोड इज़ द वैल्यू डेट अपियर्स मोस्ट ऑफ़न इन अ सेट ऑफ डेटा वैल्यू देखिए मोस्ट ऑफन मतलब बार बार सबसे ज्यादा बार आने वाली जो चीज़ है ठीक है किसी भी गिवन सेट्स ऑफ डेटा के अंदर जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आती है वो हमारी मोड कहलाती है ठीक है तो भाई मोड ऑफ अनग्रुप डेटा पढ़ेंगे पहले हम मैं जैसे कुछ भी एग्जाम्पल लिख देती हूँ आपके सामने वन वन जीरो वन टू सिक्स फाइव वन सिक्स फाइव ठीक है अब क्या करेंगे अपन सबसे पहले इनको अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपकी मर्जी है सबसे पहले कौन सा आ रहा है जीरो ठीक है और कोई ज़ीरो है इसमें नहीं है भाई ठीक है देन वन जो लिख देते हैं उसको काट देते हैं ठीक है ये भी वन ठीक है लिख दिया अपन ने वन अगेन वन अब टू है तो टू देन फाइव अगेन फाइव एंड देन सिक्स ठीक है तो देखिए सिक्स भी दो बार हैं यहाँ पे सभी नंबर को लिख ले चेक करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन सभी नंबर्स को अपने अरेंज कर लिया है अब देखिए यहाँ पे ज़ीरो कितनी बार आ रहा है वन बार आ रहा है तो ज़ीरो तो आ रहा है वन टाइम्स वन जो है वो कितने टाइम्स आ रहा है फोर टाइम्स टू कितने टाइम्स आ रहा है वन टाइम ही आ रहा है ठीक है फाइव जो है वो कितने टाइम रहा 2 times. 2 times आ रहा है टू टाइम्स सिक्स भी टू टाइम्स आ रहा है ना तो देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है ये वन फोर टाइम्स रिपीट हो रहा है तो इसका मोड क्या हो जाएगा मोड होगा वन ठीक है जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है अब बच्चे गलती क्या करते हैं मोड इसको बनाते हैं कि मोड है फोर नहीं ये तो बता रहा है कि वन जो है वो फोर बार आ रहा है ठीक है तो सबसे ज्यादा बार आने वाला नंबर ठीक है हमारा क्या कहलाता है मोड तो सबसे फ्रीक्वेंटली कौन सा अक्कर हो रहा है वन ठीक है तो मोड कितना हो गया हमारा वन ठीक है और एक डेटा के अंदर जो गिवन सेट्स हैं उसके अंदर मोर देन वन मोड भी हो सकता है जैसे कि सपोज करो ये सिक्स भी हमारा फोर टाइम्स आता ठीक है तो भाई सिक्स कितना हो जाता फिर यहां पे फोर तो इसके टू मोड्स हो जाते हैं वन एंड सिक्स ठीक है दोनों इसके मोड होते हैं कोई दिक्कत नहीं है आगे चले अभी अपन देखिए एग्जाम्पल फोर पे चलते हैं द टेकन बाय अ दिकेट्स इन टेन क्रिकेट मैचेस आर एज फॉलोज ठीक है तो फाइंड द मोड ऑफ द डेटा भाई एक क्रिकेट मैच चल रहा है बोलर के द्वारा विकेट्स लिए गई संख्या ये है हमारे पास तो हमने क्या किया इसको टेबल के फॉर्म में लिख दिया नंबर ऑफ विकेट्स जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जैसा कि भी अपन ने प्रीवियस में अरेंज किया था ऐसे भाई जीरो वन कितनी बार आ रहा है टू बार कितनी बार आ रहा है तो सेम इसी तरह से ये भी अपन ने इसको अरेंज कर दिया तो देखिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ये हमारी फ्रीक्वेंसी है दिस वन सबसे ज़्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी है ये थ्री जो है ना थ्री ये हाइएस्ट है तो किसके अंदर है टू विकेट्स के अंदर तो इसका जो मोड है वो कितना हो गया थ्री है कि टू है मोड मोड है टू क्योंकि टू जो है वो थ्री बार आ रहा है ठीक है ध्यान रखना है इस चीज को मोड इज टू ये सब तो फ्रीक्वेंसी है कि कितनी बार आ रहा है ठीक है तो सबसे ज्यादा बार आने वाला कौन सा नंबर है इसके अंदर टू तो मोड ऑफ द दे गिवन डेटा कितना हो गया टू ठीक है तो ये तो क्या हो गया हमारा मोड ऑफ अनग्रुप डेटा अब मोड ऑफ ग्रुप डेटा कैसे फाइंड आउट करें उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला है तो चलिए फॉर्मूले पे चलते हैं हम मोड ऑफ मोड क्या है एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट होल अपॉन टू टाइम्स एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इन टू एच अब ये भैया ये सब क्या है ठीक है बता देते हैं वो भी आपको तो एल जो है वो क्या है लोअर लिमिट किसकी ऑफ़ द मॉडल क्लास ठीक है बताएंगे आपको मॉडल क्लास कैसे फाइंड करते हैं एच क्या है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल एच तो आपको बताइए क्या होता है ठीक है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट देन एफ वन फ्रीकवेंसी ऑफ द मॉडल क्लास जो भी हमारी मॉडल क्लास है ना उसकी फ्रीक्वेंसी को अपन क्या बोलेंगे एफ वन फिर एफ नॉट भी आ गया तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग प्रीसीडिंग मतलब पहले आना ठीक है प्रसीडिंग द मॉडल क्लास तो मॉडल क्लास से पहले जो फ्रीक्वेंसी आ रही है ना दैट इज एफ नॉट देन क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास तो मॉडल क्लास के बाद में आने वाली ठीक है फ्रीक्वेंसी को अपन क्या बोलते हैं एफ टू एग्जाम्पल से समझेंगे तो और भी अच्छी तरह से हमको समझ में आएगा ठीक है तो देखिए एग्जाम्पल नंबर फाइव क्या कह रहा है अ सर्वे कंडक्टेड ऑन ट्वेंटी हाउस होल्ड्स इन अ लोकेलिटी बाई अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स देखिए एक सर्वे कंडक्ट किया गया था बाय सम स्टूडेंट्स ग्रुप ऑफ़ स्टूडेंट और कितने पे ट्वेंटी हाउस होल्ड्स पे रिजल्टड इन द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी टेबल फॉर द नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स इन अ हाउस होल्ड जिसके हमें एक रिजल्टिंग टेबल मिली है उस सर्वे के अकॉर्डिंग जिसमें क्या है फैमिली की साइज है वन से लेके थ्री मेम्बर्स कितनी फैमिलीज के अंदर है सेवन फैमिलीज के अंदर थ्री से लेके फाइव जो मेंबर्स हैं वो कितनी फैमिलीज के अंदर हैं एट फैमिलीज के अंदर वन से लेके थ्री मतलब किसी में वन है किसी में टू है किसी में थ्री पापा मम्मी बच्चा ठीक है और थ्री से लेके एट मतलब पापा मम्मी बच्चे और एट फाइव हो गए तो भाई दादा दादी भी आ गए उसके अंदर इसी तरह से आगे एक्सटेंड हो रहा है तो हमें क्या करना है इसके अंदर फाइंड द मोड ऑफ दिस डेटा इस डेटा का हम क्या फाइंड करेंगे मोड तो भाई मोड देखने के लिए सबसे पहले क्या करना है हमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है एट की तो ये जो है ये क्या है हमारी मॉडल क्लास ठीक है अब बता रहे थे ना कि मॉडल क्लास आने वाली है तो बस फिर ये आ गई हमारी मॉडल क्लास फॉर्मूला याद है क्या आपको मोड वाला क्या था मोड का फॉर्मूला मोड इक्वल्स टू एल प्लस ठीक है एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन टू टाइम्स एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच ठीक है तो देखिए एल जो है वो क्या था उसके अंदर लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास जिसकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी क्या होती है मॉडल क्लास तो देखिए लोअर लिमिट क्या हो गई इसकी थ्री तो ये एल जो है ना वो कितना है हमारा थ्री ये बात क्लियर है ठीक है अब क्या है एफ वन एफ वन क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास तो भाई मॉडल क्लास तो यह इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास एट तो ये है हमारे पास एफ वन ठीक है तो एफ वन कितना हो गया एट ठीक है अब एफ नोट क्या था भाई फ्रीक्वेंसी किसके प्रिस मॉडल जो हमारा था मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी थी उससे प्रिसीडिंग तो इससे पहले कौन सी आ रही है सेवन आ रही है ना तो ये हमारी क्या हो गई एफ़ नॉट या फिर ज़ीरो ठीक है और फिर चलिए एफ़ नॉट लिख लेते हैं अपन कितनी है सेवन है देन एफ़ टू बची हुई है एफ़ टू क्या थी फ्रीक्वेंसी किसकी जो मॉडल है क्लास उसकी बाद वाली सक्सेडिंग तो क्या है भाई बाद वाली ये टू है ना तो ये एफ़ टू ठीक है एफ टू कितना है टू ठीक है तो ध्यान रखने वाली क्या बात है सबसे इम्पोर्टेंट भाई एक तो हमारे पास ये एट आ गई ठीक है एफ वन जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी एफ वन उसके पहले वाली एफ़ नॉट उसके बाद वाली एफ़ टू ज़ीरो वन टू ऐसे चलता है ना ज़ीरो वन टू तो वन नंबर कौन सी होएगी नंबर वन मॉडल क्लास वाली फ्रीक्वेंसी उससे पहले वाली ज़ीरो और उसके बाद वाली टू ठीक है और एच कितना है इसके अंदर थ्री माइनस वन टू ठीक है बस अब फॉर्मूले में रख लीजिए और सॉल्व कर लीजिए एल प्लस थ्री प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट मीन्स एट माइनस सेवन होल अपॉन टू टाइम्स एफ वन मीन्स टू इंटू एट माइनस सेवन माइनस एफ टू है ना कितना है टू ठीक है इंटू एच एच इज टू कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर तो थ्री प्लस एट माइनस सेवन वन होल सिक्सटीन भाई एट टू जिक्सटीन होगा माइनस सेवन एट नाइन दोनों देखिए माइनस के ठीक है यहाँ पे तो कितना हो जाएगा माइनस के नाइन हमेशा पहले अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है इन दोनों को ऐड करेंगे माइनस माइनस के है ना और उसके बाद अपन इनको सिंप्लीफाई करेंगे ये चीज ध्यान रखना बच्चे कई बार रॉन्ग करते हैं एट सेवन सा करने लग जाते हैं तो पहले अपने को टू टाइम्स एफ वन निकालना है ठीक है और ये एफ नॉट और एफ टू को माइनस करना है जो हमने कर लिया है और फिर इंटू टू देखिए ये क्या हो गया थ्री प्लस वन अपॉन सिक्सटीन माइनस नाइन कितना हो जाए सेवन इन टू तो है ही हमारे पास तो ये हो गया थ्री प्लस टू अपॉन सेवन ठीक है तो थ्री प्लस ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो लगा दिया अपने हाँ भाई सेवन टू जा कितने होते हैं फोर्टीन तो लिख दीजिए यहाँ पे सेवन टू जा जोटीन अच्छा फ़ोटीन होते हैं तो हमारे पास ये तो ट्वेंटी है तो सिक्स बज गए सिक्स ज़ीरो अभी सेवन एट ज़ा कितने होते हैं फिफ्टी सिक्स तो अभी एट जब लिख देते हैं हम फिफ्टी सिक्स तो यहाँ पे फोर बज गए फोर जीरो सेवन फाइव ज़ा थर्टी फाइव इतना ही बहुत है तो ये कितना हो गया हमारे पास थ्री पॉइंट टू एट फाइव क्या आया ये हमारे पास मोड ऑफ द गिवन डेटा ठीक है होपफुली समझ में आ गया होगा आपको ये एग्जाम्पल चलिए फिर नेक्स्ट में चलते हैं अपन और अपन इसको राउंड अप करके ऐसे भी लिख सकते हैं थ्री पॉइंट टू एट Six, क्योंकि इसके आगे भी नंबर्स आ रहे थे ना सो so वन तो अपन इसको राउंड अप करके कर सकते हैं चलिए फिर आगे चलिए फिर आगे चलते हैं ऑफ मैथामेटिक्पल वन देखिए अब टेबल कहाँ से लेनी है हमें आपने एनसीआरटी की बुक देखेंगे उसमें जो टेबल है वन की, वो टेबल लेनी है हमें ठीक है Find the mode of this data. Also compare and interpret the mode and the mean. तो हमने जो example 1 था उसके अंदर mean find कर लिया था कितना फाइंड किया था 62 आया था ना याद हो तो अगर नहीं याद है तो आप पेजिस को पलट कर देख लीजिए मीन है हमारा 62 ठीक है इस वाले केस के अंदर मीन है डैट इज 62 जो प्रिवियस वीडियो में अपने सॉल्व करके बता रखा है अच्छा अब अपन इसका मोड फाइंड करते हैं पहले तो चलिए मोड फाइंड करने के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है भाई फटाफट से देख लीजिए हाईएस्ट कौन सा है इनमें से मुझे सेवन लग रहा है तो ये हमारी क्या हो गई मॉडल क्लास ठीक है चलिए कई बार ऐसा ही पूछ लेते हैं वन मार्क्स से क्वेश्चन में कि मॉडल क्लास कौन सी है तो मॉडल क्लास कौन सी है हमारी फोर्टी से लेके फिफ्टी फाइव कोई दिक्कत नहीं इसमें हम्म अच्छा तो भाई एफ़ वन है ये तो एफ़ वन हो जाएगी ना जो मॉडल क्लास है इसके ऊपर वाली एफ़ नोट और नीचे वाली एफ़ टू इनको भी लिख लेते हैं एफ़ वन कितनी है सेवन F नोट थ्री एंड F टू इज़ सिक्स एच कितनी है इसके अंदर डिफरेंस कितने का है फिफ्टीन का ट्वेंटी फाइव माइनस टेन फिफ्टीन तो एच कितना है हमारे पास फिफ्टीन तो बस अब मोड फाइंड करना है हमें मोड का फॉर्मूला क्या था मोड इक्वल्स टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट होल अपॉन टू टाइम्स एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू ठीक है इन टू एच ठीक है जितनी बार फॉर्मूला लिखेंगे उतनी बार प्रैक्टिस होएगी और फिर हमें ये फॉर्मूला याद हो जाएगा तो देखिए एल लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास फोर्टी प्लस एफ वन एफ वन कितना है हमारा 7 माइनस एफ नॉट कितना है थ्री होल अपॉन टू टाइम्स F1 तो 7 माइनस थ्री माइनस एफ टू कितना है सिक्स इंटू फिफ्टीन ठीक है बस अब सॉल्व कर लेते हैं इसको अपन और हमारा मोड आ जाएगा तो फोर्टी प्लस कितना हो गया ये फोर अपॉन टू सेवन जो फोर्टीन माइनस माइनस थ्री माइनस सिक्स कितने हो गए माइनस के नाइन इंटू फिफ्टीन तो फोर्टी प्लस फोर अपॉन कितना हो जाएगा ये फाइव इन फिफ्टीन कुछ कट रहा है इसके अंदर फाइव वन फाइव फाइव थ्री जा फिफ्टीन तो ये हो गया फोर्टी प्लस थ्री फोर्ट ट्वेल्व और फोर्टी प्लस ट्वेल्व कितने होते हैं फिफ्टी टू ठीक है तो हमारा जो मोड है वो कितना आ चुका है फिफ्टी टू और मीन कितना था सिक्सटी टू ठीक है तो देखिए मोड जो होता है वो क्या होता है मैक्सिमम बार आने वाली चीज और मीन क्या होता है भी? उनका एवरेज ठीक है तो जो एवरेज आ रहा है वो तो आ रहा है सिक्सटी टू और मोड जो है वो कितना है फिफ्टी टू ठीक है तो देखिए इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज फोर्टीन पॉइंट टू से रिलेटेड एग्जाम्पल्स करे हैं नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज फोर्टीन पॉइंट टू स्टार्ट कर देंगे तब तक आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक स्टडी हार्ड एंड टेक केयर